ना धीरता ना रे लक्ष्मी, तुम्हें तो बहुत फिक्र है अजय की। बैंडेज चेंज करना भी नहीं भूली। वो दादी अजय है ना, थोड़ा सा भुलक्कड़ है। हाँ, इसीलिए बहुत कुछ जानते हो अजय के बारे में। दोस्त है ना दादी? सिर्फ दोस्त है या कुछ नहीं नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे दादी, अजय मेरा बहुत अच्छा और पक्का वाला दोस्त है। उसने हर कदम पर मेरी मदद की है। मेरी दीदी की शादी में तो उसने हमारे लिए इतना कुछ किया कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया। इतने अच्छे इंसान के साथ तो अच्छा ही होना चाहिए ना। मैं अजय की बहुत इज्जत करती हूँ दादी, और उसे बिल्कुल भी दुखी नहीं देख सकती। हाँ, हर प्यार की शुरुआत दोस्ती से ही होती है। लक्ष्मी अजय को थोड़ा थोड़ा पसंद करती है, ये तो मैं जानती थी, लेकिन उसकी इज्जत भी करती है, ये मुझे अब पता चला। किसी भी रिश्ते में प्यार के साथ साथ एक दूसरे की इज्जत करना भी बहुत जरूरी है। वेरी गुड लक्ष्मी, तुमने एक और परीक्षा पास कर ली। इतना सुंदर ड्रेस मेरे लिए है। जल्दी से पहनकर तैयार हो जाओ। तैयार? हम कहीं घूमने जा रहे हैं। हम नहीं, तुम और अर्जुन। मैं और अर्जुन? ये ड्रेस भी उसी ने भेजी है तुम्हारे लिए, खुद पसंद करके। वो तुम्हारे साथ अकेला बाहर जाना चाहता है, शायद उसे कुछ कहना है तुमसे। कहाँ खो गई? जल्दी से ये ड्रेस पहनकर नीचे आ जाओ। ओके। मुझे लगता है जो बात तुम उससे कहना चाहती हो उसके मन में भी वही चल रहा है। क्या कर रही है कि मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? लक्ष्मी, अरे वाह, बहुत सुंदर लग रही हो। कहीं जा रही हो क्या? कोई खास बात? ओ दादी, ओ गॉड, देखो मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूं। अभी अभी तो मुझे पूर्वा बता के गई कि तुम
अर्जुन से मिलने जा रही हो। जाओ जाओ, कार पार्किंग में खड़ी है तुम्हारे लिए। कार अर्जुन ने भिजवाई है ना तुम्हारे लिए। अच्छा दादी। खुश रहो बेटा। एक मिनट, एक मिनट लक्ष्मी, तुमसे एक राय लेनी थी। राय? मुझसे? हाँ, किस बारे में? अच्छा बताओ, पूर्वा कैसी लड़की है? पूर्वा जी बहुत अच्छी है। वेरी गुड। वो क्या है ना, अर्जुन और अजय दोनों गहरे दोस्त है। दोनों ने बचपन में ही तय किया था कि एक ही मुहूर्त पे दोनों शादी करेंगे। अब क्या है ना, मेरा अर्जुन वो ना बहुत मूडी है। कहता है कि दादी शादी जिंदगी भर का सौदा है, सोच के समझ के करूंगा। तो मैंने सोचा कि पूर्वा कैसी है, अजय के लिए। देखो पूर्वा को ना मैं बचपन से जानती हूँ, बहुत मॉडर्न और संस्कारी लड़की है, और तुम अजय की पक्की दोस्त हो, इसलिए मैंने तुम्हारी राय मांगी। अच्छा बताओ कैसी रहेगी अजय और पूर्वा की जोड़ी? अजय और पूर्वा? हाँ, तुम्हें भी पसंद है ना, मुझे पता ही था। अब एक काम करते हैं, हम रामसागर आए हैं ना, तो दोनों के रिश्ते की बात करके पंडित जी से सगाई का मुहूर्त निकलवा लेती हूँ, है ना? तुम दंग रह गई? मैं जानती थी कि तुम दंग रह जाओगी। अब सोचो जब अजय सुनेगा तो वो कितना दंग रह जाएगा। उसे मैं संभाल लूंगी। अच्छा सुनो, तुम जाओ और मैं अजय से बात करने जाती हूँ। ऑल द बेस्ट। लक्ष्मी, तुम यहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? वहां ड्राइवर तुम्हारा वेट कर रहा है। चलो कम लक्ष्मी, चलो। लक्ष्मी यही सोचते सोचते उसे मिलूंगी या उसके जाकर उससे बात भी करूंगी। बैठो। Thank you.
अर्जुन अग्निहोत्री से मिला था मैं, तुम्हारे बारे में बात भी की थी, वो तुमसे मिलना चाहते हैं सपने में। लक्ष्मी, अर्जुन अग्निहोत्री, लगता है आज तैयार होने में आपने काफी टाइम यूज किया, तभी मुझे इतना इंतजार करवाया। तो बताओ लक्ष्मी, कैसा लगा मेरा वेलकम? पसंद आया तुम्हें? आई होप इसमें कोई कमी नहीं है। लक्ष्मी, तुम सोच रही होगी कि मैंने तुम्हें आज इस तरह यहां पर अकेले क्यों बुलाया है। कानपुर से लेकर यहां तक पूरे सफर में तुम मुझसे कुछ कहने की कोशिश करती रही, मौका ढूंढती रही, और मैं भी तुमसे कुछ कहने की कोशिश करता रहा। इसीलिए आज पूर्वा की मदद से मैंने तुम्हें यहां पर बुलाया है। ताकि हम आराम से एक दूसरे के मन की बात को सुन सके। लगता है कुछ मिसिंग है। म्यूजिक, जस्ट अ सेकंड। नाउ इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट। लक्ष्मी, तुम कुछ नहीं कहोगे? देखो लक्ष्मी, हम दोनों एक दूसरे को बहुत कम समय से जानते हैं, एक दूसरे के बारे में ज्यादा कुछ मालूम भी नहीं है, लेकिन अगर मैं सच कहूं तो जब से मैंने तुम्हें देखा है लक्ष्मी, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं तुम्हें काफी समय से जानता हूं। हम दोनों के बीच एक बहुत ही अनकहा सा रिश्ता है लक्ष्मी। मुझे घुमा फिरा कर बात करना बिल्कुल नहीं आता है, तो मैं सीधा पॉइंट पर आता हूं। स्वाति की एंगेजमेंट के बाद मॉम और डैड ने मेरी फ्यूचर, मेरी शादी के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। पहले तो मैं भी इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचता था, ध्यान नहीं देता था, लेकिन लक्ष्मी सच बताऊं तो जब से मैं तुमसे मिला हूं, मुझे ऐसा लगता है जैसे अब इस बारे में मुझे सोचने में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। जस्ट अ सेकंड। ये तुम्हारे लिए। सिर्फ तुम्हारे लिए। लो। दीदी की शादी में पहनना, तुम पर बहुत सूट करेगा। ओके। okay.
मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। ना धिरता ना